यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा रोग प्रदूषित जल से होता है। यहाँ पे सभी रोग कंटामिनेटेड वाटर से होते हैं, हैजार्ड, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक रोग और जोड़ लीजिए, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी प्रदूषित जल से होता है। इनके दो टाइप होते हैं, बी टाइप और सी टाइप। इनिशियल स्टेज का जो हेपेटाइटिस होता है वो बी स्टेज का होता है, सी टाइप का बहुत खतरनाक होता है। सी टाइप में बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि इंसान बच जाए। इस कंटामिनेटेड वाटर में कई तरीके के पोलूटेंट्स हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का एक रोग होता है, और उसी तरह जब पीने के पानी में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इटाइटाई रोग होता है। ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये सब हो क्या सिरा, पॉल्यूटेड वाटर से हो रहा है ना। चलिए 112 देखिए। जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध कार्टाजोना शहर अवस्थित है। बायो सेफ्टी के लिए आप लोग कार्टाजोना प्रोटोकॉल पढ़ते रहते हैं। तो पहली चीज़ तो यही जान लेनी है हम लोगों की कार्टाजोना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से संबंधित है। कार्टाजोना एक शहर का नाम है कोलंबिया देश के। चलिए 113 देखिए। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? दाचीगम है कहाँ पे? ये कई बार पूछा है मैचिंग में, आप लोगों ने देखा होगा। जम्मू कश्मीर का ये नेशनल पार्क है और ये हंगोल के लिए जाना जाता है। हंगोल एक बारहसिंगा है, इसे कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। चिंकारा भी एक हिरण की प्रजाति है, ठीक है। चलिए 114 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। COP 21 याद आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 में हुआ था। क्लाइमेट चेंज हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, इन सब की जो मीटिंग्स होती हैं ये सब COP के नाम से जानी जाती हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में ISA की स्थापना भी बात की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इनिशिएट किसने किया था ये भी पूछता है, तो याद रखें फ्रांस और इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अभी जो हाल ही में UNGA की मीटिंग हुई है उसमें ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, सी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 115 देखिए। चंगुन में दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियाँ जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई ये पूछा है, और ये काम IIT कानपुर ने शुरू किया है, इम्पोर्टेंट है। चलिए 116 देखिए। पुस्तक से लेखक का मैच करा दीजिए। यहाँ पे आप शशि थरूर की किताब आराम से पकड़ सकते हैं, जिस तरह के इंसान हैं, जिस तरह की ये बात करते हैं, कुछ हद तक आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। शशि थरूर को आप बी ऑप्शन से नहीं मिलाएंगे, शशि थरूर को आप गांधी टोपी राज्यपाल से नहीं मिलाएंगे। शशि थरूर भारत की एंशियंट लेगेसी पे बात नहीं करते हैं, तो आप इनको इससे भी नहीं मिलाओगे। एक ही किताब बची इनकी, ए से टू मिला दीजिए, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में ए का टू है, डी ऑप्शन, तो आंसर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ए का टू मिला दीजिए। राज कपूर द मास्टर एट वर्क राहुल रवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गांधी टोपी राज्यपाल ए लक्ष्मी प्रसाद की किताब है, और ये एंशियंट लेगेसी रेखा चौधरी की किताब है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और याद कर लेना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 117 देखिए। शिकारी घोघे की प्रजाति यूग्लैंडिना रोजिया क्या है? इस शिकारी घोघे को वॉल्फ स्नेल भी बोलते हैं। अब वॉल्फ स्नेल से आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि यह एक आक्रामक प्रजाति का स्नेल है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप पैसिफिक ओशन में देखेंगे तो आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिखेगा जिसे पॉलिनेशिया बोलते हैं। इस स्नेल के बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि ये शिकारी घोघे ऑस्ट्रेलिया से पॉलिनेशियाई द्वीप के पास पहुँच गए, और इन द्वीप पर जो स्थानीय प्रजाति के घोघे थे, इन स्थानीय प्रजाति के घोघों को ये शिकारी घोघे अटैक कर रहे हैं, अपना भक्षण बना रहे हैं, जिससे पॉलिनेशियाई द्वीप के स्थानीय प्रजाति के जो घोघे हैं इनकी संख्या कम हो गई है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए 118 देखिए। कवक की किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवता निम्न में से क्या कहलाती है? ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइकोराइजा पढ़ा था। पेड़ पौधों को जो न्यूट्रिशन की सप्लाई हो रही थी वो कौन कर रहा था? माइकोराइजा कर रहा था, एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ों को ये हेल्प करती हैं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे पेड़ पौधों को भी फ़ायदा हो रहा और कवक को भी हैबिटेट मिल जा रहा, यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज़ को लाभ हो रहा है, इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 119 देखिए। निम्नलिखित में से ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ये भी हम लोगों ने अभी सीखा था, पीने के पानी में जब नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम से टाइटाई रोग हम लोगों ने देखा था। पीने के पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फ्लोरोसिस हो जाता है, और आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए 120 देखिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? करेरा सेंचुरी मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 121।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है? चार हॉटस्पॉट हम लोग पढ़ते रहते हैं। पहला वेस्टर्न घाट, इसी में श्रीलंका वाला भी क्षेत्र आता है। दूसरा हिमालयन क्षेत्र, तीसरा इंडो बर्मन और लास्ट है सुंडालैंड। निकोबार को सुंडालैंड में काउंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन में आपको सभी दिख रहे हैं, हिमालयन क्षेत्र दिख रहा है, इंडो बर्मन दिख रहा है, सुंडालैंड भी दिख रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हॉटस्पॉट क्या होते हैं ये सब आप लोग जानते हैं और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसी को देख लीजिए। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ की कैपिटल है? कीनिया की कैपिटल है, सही मैच है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है, ये भी करेक्ट है। विश्व वन्य जीव कोष WWF बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, तो ये गलत मैच है। डी ऑप्शन में ट्रैफिक, ये भी एक वन्य जीव निगरानी नेटवर्क है, हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज में है, UK, सही मैच है। अभी गलत बताना था ना, तो हमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 123 देखिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलीट फाइबर्स केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, किस शहर में है? जस्ट फैक्ट है, जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। यह संस्थान वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। 124 तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर का क्या नाम था जो CDS बिपिन रावत को ले जा रहा था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। December 2021 में इनका निधन हो गया था, आप लोगों को पता होगा। इस हेलीकॉप्टर का नाम MI-17B5 था, बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 125 पीछे, ऑपरेशन बीरबल जंगली बिल्लियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक ऑपरेशन है, ये सही मैच है। दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन फ्री फ्लाई लाइव बर्ड, ये भी सही है। जीवित पक्षियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सेब कुर्मा, ये भी सही मैच है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चनों में कुर्मू और कछुआ के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, सी ऑप्शन है। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड, ये जंगली सुअर यहाँ पे गलत मैच है। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ऊन से बने सॉल के अवैध व्यापार को रोकने के लिए है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो गलत मैच है। ठीक है, चलिए 126 IUCN सुरक्षा सूची के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में ये भी जानते हैं हम लोग कि ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। ठीक है, चलिए 127 देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में ही पूछ लिया। इस एक्ट में 6 अनुसूचियाँ हैं जिसमें अलग अलग स्तर से स्पीसीज को प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 1 से लेकर 4 तक, इसमें जानवरों को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है। 5वीं अनुसूची में ऐसे जानवर हैं जिनको बर्मिन कहा जाता है और जिनका शिकार भी किया जा सकता। 5वीं अनुसूची में जो जानवर आते हैं उनका शिकार अलाउ है, जैसे मूसक हुआ, चूहे हुए, कौआ हुआ, चमगादड़ हुआ, ये सब 5वीं अनुसूची में आते हैं। 6वीं अनुसूची में यहाँ पर प्लांट्स आते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनका खेती करना भी निषिद्ध है, व्यापार करना निषिद्ध है। 1 से 4 तक जो अनुसूचियाँ हैं इसमें आपने देखा कि जानवरों को यहाँ पर पूर्ण सुरक्षा है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और आप लोग सीख लीजिए, अनुसूची 1 और 2 में यहाँ पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है और 3 और 4 में पनिशमेंट बहुत कम है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़िए। इस अधिनियम की 5वीं अनुसूची में इसके बारे में पूछ रहे हैं, उन पादपों को सूचीबद्ध करती है, तो गलत हो गया। 5वीं अनुसूची में पादप है नहीं, ये तो 6वीं अनुसूची में है, तो आगे तो पढ़ना ही नहीं है, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन है, अनुसूची 6 में बर्मिन जंतुओं के बारे में बताया गया है जिनका शिकार किया जा सकता है, ये 6 में नहीं है, ये 5 में है, ये दोनों उल्टे लिख दिए उन्होंने, ये ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है, अनुसूची 2 के भाग 2 में सूचीबद्ध जीव जंतुओं की पूर्ण सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, ये ठीक है, हम लोगों ने सीखा। डी ऑप्शन है, लाइन टेल मैकॉक और कैंडों को अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है, ये भी गलत है। ये जानवर अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किए गए, ना कि 2 में, तो ये पॉइंट भी गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, पूर्ण सुरक्षा जो प्रदान की गई है वो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्पीसीज के लिए दी गई है। 3 से 4 के लिए भी सुरक्षा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे अनुसूची 3 और 4 में ये हिरण वगैरह आ जाते हैं, नीलगाय वगैरह आ जाती हैं, भौंकने वाले हिरण आ जाते हैं, नेवला, गिद्ध वगैरह, ये सब अनुसूची 3 और 4 में आते हैं। जो बड़े जानवर हैं वो आपको 1 और 2 में मिलेंगे, अनुसूची 1 में छोटे जानवर भी मिल सकते हैं लेकिन वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, तो यहाँ पर सही पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए 128 देखें, पेरिस सम्मेलन हम लोगों ने अभी सीखा था 2015 COP 21 में। ISA की स्थापना फ्रांस और इंडिया द्वारा, तो सी का 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में 4 है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 लागू 2 साल बाद हुआ था 89 में।
क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 1997 में हस्ताक्षरित हुआ था और 2005 से लागू हुआ था। ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लागू डेट पूछ लेता है, लागू ईयर पूछ लेता है। पुराने क्वेश्चंस में हम लोगों ने सीखा था कि इतना समय क्यों लग गया था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये 2002 का है। इस सम्मेलन को सेकंड पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 129 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोरा स्पीसीज को चाहिए, वनस्पति जगत को चाहिए, तभी जाके फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और ऑक्सीजन का निर्माण कर पाएंगे। तो इसका बेनिफिट आप इस तरीके से देख सकते हैं। और ये हार्म किस लिए है, ये हम लोग सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 130 देखिए, रोटरडैम सम्मेलन संबंधित है। ये सारे सम्मेलन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखें कौन किससे संबंधित है। ये पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल से संबंधित है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रोटरडैम एक शहर है नीदरलैंड का। चलिए 131 देखिए, कथनकरण का क्वेश्चन है। एजर्सन में लिखा है द सॉइल सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल कंपोजिशन। मृदा तंत्र स्थल मंडलीय संगठक का महत्वपूर्ण घटक है। आप यहाँ पर कथन और कारण को एक एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। आप इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, आप इन्वायरमेंट में फास्फोरस साइकिल पढ़ते हैं, कार्बन चक्र पढ़ते हैं, जल चक्र पढ़ते हैं, और इन सभी साइकिल में हम लोग क्या सीखते हैं, यहाँ पर हम लोग मैटर का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। आप लोग हर एक साइकिल में दो स्टेज पढ़ते हैं, एक स्टेज पूरी वातावरण में एक्टिव रहती है और दूसरी स्टेज पूरी सॉइल में एक्टिव रहती है। अगर आप नाइट्रोजन साइकिल का एग्जांपल लेते हैं, वातावरण में जो भी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन सॉइल में एंटर करती है। अब सॉइल में क्या क्या हो रहा है ये सब आप लोग सीख लिए। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे सीखा, आपने यहाँ पे राइजोबियम का काम सीखा, आपने यहाँ नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हुए देखा। इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन होता है और यही नाइट्रेट फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली वातावरण में आ जाता है। ऐसे साइकिल चलती है। तो सॉइल, नाइट्रेट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये हो कहाँ रहा है, ये सॉइल में हो रहा है ना। और सब कुछ एक्सचेंज यहीं पे हो रहा है, चाहे आप एनर्जी ले लीजिए या फिर मैटर ले लीजिए। इनमें से कोई भी साइकिल सॉइल के बिना काम ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आप हो जाएगा, तो जल्दी से पढ़ लीजिए। कथन तो सही लिखा है, इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया। कारण में क्या लिखा है, मृदा तंत्र जीवमंडल में ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण हेतु आवश्यक है, ठीक है। हम लोगों ने दोनों सीख लिया और एक्सप्लेन भी कर रहा है, अब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आसान सा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड सही मैच है। चंडी प्रसाद भट्ट जी का आपको नाम याद आ रहा होगा, इनके साथ साथ सुंदर लाल बहुगुणा साहब का भी नाम याद आ रहा होगा। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में शुरू किया गया था, लेकिन उस टाइम पे तो ये झारखंड अलग नहीं हुआ था, ये 1980 की बात है। तो ये झारखंड का ही हिस्सा था, जहाँ पे एक्टिव था मूवमेंट, झारखंड का हिस्सा था। तो ये भी सही मैच है, दो सही मैच है यहाँ पे। चिपको आंदोलन का दूसरा भाई एपेको आंदोलन, ये साउथ में एक्टिव था, चिपको आंदोलन नॉर्थ में एक्टिव था, बस इतना सा फ़र्क है। यहाँ पे पश्चिम भारत लिखा है तो ये गलत लिखा है, यहाँ पे पश्चिम की जगह साउथ कर लीजिए, ये गलत मैच हो गया। डी ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, ये भी करेक्ट मैच है। चिपको आंदोलन 1973, जंगल बचाओ आंदोलन 1980, अपिको आंदोलन 1983 और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989, ठीक है। वैसे यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 133 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल मानव निर्मित स्थल है। आर्द्र भूमियों को मान्यता कब दी गई थी, 1971। रामसर एक जगह का नाम है, ईरान की जगह है। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाते हैं। भोज आर्द्र भूमि, ये मैन मेड है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक झील मणिपुर, और दीपोरबिल कहाँ पर है, दीपोरबिल भी एक लेक है, झील है, असम में है। चलिए 134 देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में हम लोगों को बताना है। देखिए दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरे प्रकार की स्कीम होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो दोनों को CSSE लिखोगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम से आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह की स्कीम का पूरा रेगुलेशन केंद्र के हाथ में रहता है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं, केंद्र के द्वारा प्रायोजित स्कीम जो होती हैं, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट मिलकर काम करती हैं। फंडिंग में दोनों का हिस्सा रहता है, सेंट्रल का भी स्टेट का भी। सेंट्रल का ज़्यादा हिस्सा होता है, स्टेट का थोड़ा सा कम होता है, बट करते मिलकर ही काम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। अब केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड है तो यहाँ पर हिस्सा कितना कितना है, 75-25 का है। जो भी खर्चा आएगा इस स्कीम पर, 75% केंद्र खर्चा करेगी, 25% स्टेट्स करेंगे। तो यहाँ पे पहला तो हम लोगों ने गलत देख लिया, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए, एस्योर्ड इरिगेशन, हर खेत को पानी के तहत
खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करेगा। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सिंचाई लाभ कार्यक्रम भी शामिल हैं और हर खेत को पानी भी शामिल है। सिंचाई के जो नए नए मेथड्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भी यूज किया जाएगा ताकि पानी की बचत हो सके। तीसरा पॉइंट है, इट विल इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज इफिशियंसी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, 135 देखिए, विकासशील देशों में युवा गणतज्ञों के लिए 2021, ये सब पढ़ते रहना आप, ये क्या लिखा है सीधा यहाँ पे देखिए, रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीना गुप्ता को दिया गया। नीना गुप्ता जी प्रोफेसर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, कोलकाता में है ये इंस्टीट्यूट। इसको कभी कभी पूछ लेता है मैचिंग में, ध्यान रखना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। चलिए 136, वाटर इनोवेशन चैलेंज किस योजना का हिस्सा है। इनोवेशन की बात हो रही है, अटल इनोवेशन मिशन लगा दीजिए। अटल इनोवेशन मिशन किसने स्टार्ट किया था, एम, ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, ये भी ध्यान रखना पूछता है। 137, इकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, जीव और वातावरण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 138 देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है। देखिए क्वेश्चन में क्रस्ट पर पूछा है, अगर समस्त पृथ्वी पर पूछेगा तो डेटा चेंज हो जाएगा। अगर क्रस्ट पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मूल तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद सिलिकन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करना, वीडियो को पॉज कर लेना, थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे भी हम लोग पृथ्वी की अलग अलग लेयर में ये कंपोजिशन पढ़ते हैं, सियाल, सीमा और नीफे। क्रस्ट में हम लोग सियाल पढ़ते हैं, मेंटल में सीमा पढ़ते हैं और क्रोड में या कोर में नीफे पढ़ते हैं। तो सियाल को सोच के सिलिकन या एल्युमिनियम मत लगा देना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आप सियाल को याद रखें। अगर समस्त पृथ्वी पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट आयरन है, लोहा है, और क्रस्ट में कितना है लोहा, सिर्फ 4%, लेकिन ओवरऑल अर्थ में 35.5% है, तो बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 139 देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि यह अवशोषित करती है, ग्लोबल वार्मिंग पूछ रहे हैं। आपको पता है कि अर्थ की सरफेस सोलर रेडिएशन को शॉर्ट वेव के फॉर्म में रिसीव करती है और लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिलीज करती है, और यही लॉन्ग वेव्स इंफ्रा रेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतराल में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि ओजोन के डिप्लीशन के लिए जो सबसे मेन कारक है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सामान्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकली इनएक्टिव रहता है, बट इसके साथ दिक्कत क्या है कि जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, समता मंडल में पहुंचता है, ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए यहाँ पे डिप्लीशन काम कैसे करती है, ज़्यादा तापमान होने पर ये जो क्लोरीन गैस दिख रही है आपको, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है। बस यही सिंगल क्लोरीन डेंजरस है, इसी से सब कुछ हो रहा है। अब एक क्लोरीन का सिंगल मॉलिक्यूल करता क्या है, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके CLO और ऑक्सीजन बना देता है। यानी यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, ओजोन तो गायब हो गई ना, अब तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और CLO है, हमें तो O3 बचा के रखना है ना। यहाँ तक भी ठीक था कि रिजल्टेंट में CLO बन गया, क्लोरीन गायब हो गया, लेकिन इसका फर्दर रिएक्शन हो जा रहा है CLO का ऑक्सीजन के साथ, ये फिर से सिंगल एटम बन गया क्लोरीन का, तो ये फिर अटैक करेगी किससे, ओजोन से, तो ये चेन चलती रहेगी। रिसर्च बताती है कि एक क्लोरीन एटम 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को खा जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, तापमान ज़्यादा रहता है तो Cl2 टूट जाता है Cl+Cl में। और यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ पे किस महीने में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और अंटार्कटिका की लोकेशन देख लीजिए, अंटार्कटिका है कहाँ पे, साउथ में है, और साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी कब रहती है, सन मकर रेखा पे कब रहता है, दिसंबर में रहता है, तो दिसंबर के आसपास के मंथ यहाँ पे देख लीजिए, सितंबर से अक्टूबर में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 141 देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन पूछ रहे हैं। सक्सेशन तो वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था चट्टान का, इस चट्टान पर कोई भी स्पीसीज नहीं है, लेकिन एक समय पर बाद यहाँ पर मान लीजिए लाइकिन का उद्भव हो गया, कवक का उद्भव हो गया, तो इस पत्थर या फिर इस चट्टान पर कवक का उगना, ये होता है प्राइमरी सक्सेशन, और ये बहुत जल्दी नहीं होता है, इसमें बहुत समय लग जाता है, हज़ारों साल भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना। इसके बाद का जो सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा, लेकिन उसमें इतना समय नहीं लगेगा जितना प्राइमरी में लगा। चलिए पहले पॉइंट पढ़िए, सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में धीमा होता है, प्राइमरी सक्सेशन धीमा होता है, सेकेंडरी नहीं, ये पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, यह मौजूदा प्रजाति के पूर्ण या आंशिक विखंडन के बाद जैविक समुदाय का क्रमिक विकास है, यह का मतलब इसके बारे में बात हो रही है, सेकेंडरी अनुक्रमण के बारे में, और मौजूदा प्रजाति यानी जो प्राइमरी सक्सेशन के बाद यहाँ पे कवक और लाइकिन वगैरह जो हो गए थे
सेकेंडरी सक्सेशन या तो ये मौजूदा प्रजाति को ख़त्म कर देगी या फिर आंशिक रूप से ख़त्म कर देगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कवक के साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो कर गए और प्लांट्स की स्पीसीज कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर गई और कवक का यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगा, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन है। तो वही लिखा है यहाँ पे, कवक का पूर्ण या आंशिक विखंडन हो सकता है। दूसरा पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। चलिए 142 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। स्किन कैंसर, ये यूवी रेज हम लोग पढ़ते रहते हैं, यूवी रेज से स्किन कैंसर होता है। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे ओजोन होल के बारे में लिखा है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है ध्वनि तीव्रता का मापन, डेसिबल, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, साउंड को डेसिबल से मेजर करते हैं। डी ऑप्शन, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड तो गलत लिखा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। सीओ को कौन सी गैस बोला जाता है, याद आ रहा? इसे दम घोटू गैस बोला जाता है, दम घुटता है इससे, यानी सफोकेटिंग गैस। यहाँ पर गलत बताना था, डी ऑप्शन गलत मैच है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 143 देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए ये अभयारण्य जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा एरिया को कवर किए रहते हैं, हो सकता है इसमें 2-3 नेशनल पार्क्स हों। सेंचुरीज इतने बड़े एरिया को कवर की रहती हैं, इनकी आउटर फेरी पे छोटे छोटे से गांव भी हो सकते हैं, बसे रहते हैं यहाँ पे आदमी, बसे रहते हैं। फिर यही लोग लकड़बग्गों और शेरों के शिकार बनते हैं। अब आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि नेशनल पार्क्स ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव जोन होते हैं, यहाँ पे चराना, लकड़ी इकट्ठा करना, अधिवास करना, ये सब अलाउ नहीं होता है। किसी भी प्रकार का अधिवास की अनुमति नहीं होती है, नो हैबिटेट नो एक्टिविटी। लेकिन ये कहाँ पे होता है? वन्यजीव अभयारण्य में नहीं, ये नेशनल पार्क्स की भाषा लिखी है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के अधिवास की अनुमति नहीं होती, ये नेशनल पार्क्स के लिए सही है। तो ये गलत लिखा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान काट दीजिए और ये बात लिखी है सेंचुरी के लिए। क्लियर है? वीडियो को पॉज कर लेना, समझ लेना, ये उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 144 देखिए, विहंगम पोर्टल किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माइनिंग एक्टिविटी से संबंधित है, खनन गतिविधियाँ, बी ऑप्शन। इसको हाल ही में महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने शुरू किया है। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, ये CIL की एक सब्सिडरी है, कोल इंडिया लिमिटेड। 145 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने हाल ही में डिजिटल मीडिया में सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनाम आंसर है। चलिए 146, गलत बताना है, खुला तंत्री तो है। आप एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, तो ये सब एक डिब्बे के अंदर तो हो नहीं रहा। बी ऑप्शन में लिखा है जीव मंडल की रचना पार्थिव वायुम तंत्र और जलीय वायुम तंत्र जैसे दो प्रमुख तंत्रों से हुई है। इन्होंने टेरेस्ट्रियल भी लिख दिया है और एक्वेटिक भी लिख दिया है, तो सही है, पानी वाला भी हो गया, टेरेस्ट्रियल में सब ऐड हो ही गया है। यहाँ पे आपको पादप तंत्र मिल जाएगा, जंतु तंत्र मिल जाएगा, सॉयल सिस्टम मिल जाएगा, सब कुछ टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा, तो ठीक है, बायोस्फीयर का कंपोजिशन है, ये ऑप्शन सही है। तीसरा पॉइंट है, मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को द्रवलता मंडल कहते हैं, जो पूर्णतः तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में नहीं है, सेमी लिक्विड स्टेट में, ये आप लोग ध्यान रखें। और इसी स्थैनोस्फीयर के ऊपर पूरी क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, और यही क्रस्ट अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। यानी ये जो पूरी प्लेट्स हैं ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर रखी हुई हैं। अब सोचिए ये एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड स्टेट में, तब भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहता है, उसके चलते हम लोग भूकंप सुनामी वगैरह देखते रहते हैं। मान लीजिए पूरा लिक्विड स्टेट में होता, तब तो इन प्लेट्स में मूवमेंट एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुकता, ठीक है। तो यहाँ पर सी पॉइंट गलत है। और इन प्लेट्स में जो हम लोग मूवमेंट देख रहे थे, ये मूवमेंट होता कैसे है? ये कन्वेक्शनल करंट के कारण होता है। इस मटेरियल में कन्वेक्शनल करंट फ्लो करती हैं और ये बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है। डी पॉइंट में क्या लिखा है? मेंटल से उत्पन्न होने वाली तापीय संवहन तरंग है, यही कन्वेक्शनल करंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, के कारण ही प्लेटों में संचलन होता है, सही है ये पॉइंट। गलत पूछा था तो हम लोगों ने सी पॉइंट देख लिया था गलत। चलिए 147 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानसूनी वनस्पति नहीं है? देवदार के बारे में तो जानते होंगे, ये तो पर्वतीय वन की वनस्पति है ना, माउंटेनियस फॉरेस्ट की स्पीसीज है देवदार पेड़, मानसूनल वेजिटेशन में नहीं आता, ठीक है। चलिए 148 देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? वो रेड एंड ब्लू कलर फेवर करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा रेड कलर की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 149 बात स्पीति, बात से मतलब समझ रहे ना, ये हवा है, यहाँ पे लिखा है
एम्फाइजमा रोग में क्या होता है? ये रोग बीड़ी और सिगरेट पीने वालों में होता है, और साथ साथ में जब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहे, एयर पोल्यूशन हो, या फिर आप बीड़ी पी रहे हैं या फिर सिगरेट पी रहे हैं, तो अल्टीमेटली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? फेफड़े, लंग्स। आप सांस लेंगे, फेफड़े फूलेंगे ही नहीं, क्योंकि बीड़ी के धुएं ने, सिगरेट के धुएं ने टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। चलिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेंसिटिव लंग टिश्यूज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। आइए 150 देखिए, हिंद महासागर वार्ता के संबंध में बताना है, इंडियन ओशन डायलॉग। आपने एक एसोसिएशन का नाम और सुना होगा, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अब इसका नया नाम इंडियन ओशन डायलॉग है, ठीक है, IOD। इस डायलॉग को अभी इंडिया ने होस्ट किया था, चाइना ने होस्ट नहीं किया था, यहाँ पे चीन लिखा है, गलत है। दूसरा पॉइंट है, यह डायलॉग 15 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था, ये ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में, करंट अफेयर्स ध्यान रखना, 2 से 3 रीडिंग, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।